जब आप अपने डिवाइस को रूट कर चुके होते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने डिवाइस में मॉडिफिकेशंस करने के लिए। वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज थैनॉक्स। शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। ये एक एंड्रॉयड ऐप है, एज एन एपीके आप इसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ मैजिस्क मॉड्यूल या फिर एलएस पोस में भी आप इसे इनेबल कर सकते हैं। हम इसे यूज़ करेंगे विद एलएस पोस। अगर आप मैजिस्क यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगर आप एलएस पोस से यूज़ करेंगे तो चीज़ें कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। यह है थैनॉक्स, बस आपको इसे एलएस पोस से इनेबल कर लेना है। यू नो दैट एपीके फाइल होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, एपीके इंस्टॉल कीजिए, यहाँ से उस मॉड्यूल को इनेबल कीजिए। अपने डिवाइस को एक बार के लिए आपको रिबूट कर लेना है। वो सब चीज़ें जब आप कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या और क्या चीज़ें सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल सकते हैं या फिर सिस्टम के चेंजेस में, अगर आपको सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक प्रीमियम वर्जन भी आपको देखने को मिलता है, तो अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, जो कि मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्रायल बेस्ड है तो कुछ फीचर्स अनलॉक नहीं होंगे, कुछ देर के लिए चलेगा, ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके लिए हो सकती है। कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको इसमें ऑप्शन देखने मिलता है इनकॉग्निटो का। अगर आप इस फीचर को इनेबल करेंगे होगा क्या, आपको इस ऑप्शन को वैसे इनेबल करना पड़ेगा सेटिंग्स में चलने के बाद। आप किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए इनकॉग्निटो मोड को इनेबल कर सकते हैं, यानी कि वो जो ऐप है वो बैकग्राउंड में कुछ भी आपके डिवाइस से ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपका IMEI नंबर, आपका डिवाइस का सीरियल नंबर, कुछ भी नहीं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसके साथ साथ इसमें आपको कुछ ऐप मैनेजर जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप उस ऐप मैनेजर में किसी ऐप को ओपन करेंगे तो अलग पर्टिकुलर ऐप के लिए आप अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिवेंट अनइंस्टॉल, कि वो ऐप अनइंस्टॉल ना हो सके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट है आपके लिए। उसके अलावा बैकग्राउंड स्टार्ट और क्लीन टास्क, ये सब ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ऐप है, काफ़ी हिडन कमाल के फीचर्स इसमें आपको इनबिल्ट देखने को मिलते हैं। एक और ऑप्शन है जिसका नेम है स्मार्ट फ्रीज, और मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर लगा इस ऐप का। इस ऐप की हेल्प से, इस फीचर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि होगा क्या, जब भी आप इसको इसमें किसी ऐप को ऐड करेंगे, जैसे आप उस ऐप को एग्जिट करेंगे वो ऐप ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और ये बहुत कमाल की चीज़ है, अंडररेटेड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको स्टार्टिंग में एक वार्निंग देखने मिलेगी, अगर आप यहाँ पर किसी ऐप को स्मार्ट फ्रीज में इनेबल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो आपने उसको परमिशन दे दी, लेकिन अगर आप इस थैनॉक्स ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देंगे तब भी वो कंडीशन अप्लाई होगी। तो क्योंकि ये सिस्टम के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तभी कीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको क्लीन टास्क का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी, क्लीन द बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्टेड एप्स व्हेन दे आर क्लियर्ड फ्रॉम रीसेंट टास्क। किसी ऐप को आपने रिसेंट से क्लियर कर दिया तो बाकी सब चीज़ें जो है इसको जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी करा उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। इस फीचर को भी आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा लेकिन काम करेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, काम भी करते हैं, तो कुड बी वर्थ ही, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप प्रीमियम ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं एपीके फाइल आपको मिल जाएगा, आप इसकी सेटिंग्स को भी बैकअप कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करी होगी उसको अपने हिसाब से बैकअप कर सकते हैं, तो दैट कुड बी यूज़फुल फॉर यू। ये सब चीज़ें बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह के और कमाल के मॉड्स चाहिए एंड्रॉइड के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।